इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। हेलो, छब्बीस जून 2019 से हम लोग काशी से कन्याकुमारी तक चलने वाली ईवीएम पंडापोल परिवर्तन यात्रा शुरू की है और जब हमने एक परिवर्तन यात्रा शुरू की जम्मू काश्मीर से हम लोग पंजाब आए, पंजाब से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली आए, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, उत्तरांचल से दोबारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से नागपुर, नागपुर से आसिफाबाद तेलंगाना में और 11 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में पहुँचे। 5.5 महीने लगातार ईवीएम पंडापोल परिवर्तन यात्रा चलाने के बाद 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक हमने ईवीएम पंडापोल परिवर्तन यात्रा को स्थगित रखा था। 16 जनवरी 2020 से ईवीएम पंडापोल परिवर्तन यात्रा बसव कल्याण जो महात्मा बसवेश्वर जी की क्रांति भूमि है वहाँ से दक्षिण भारत में कर्नाटक से शुरू किया और कर्नाटक से चलकर आंध्र प्रदेश की परिवर्तन यात्रा जाएगी, आंध्र प्रदेश से केरला जाएगी, केरला से तमिलनाडु जाएगी, तमिलनाडु से कन्याकुमारी 6 मई को पहुँचेगी। 3.5 महीने लगेगी, 5.5 महीने हैदराबाद तक और आगे 3.5 महीने लगभग 9 महीने का समय लगाकर ये ईवीएम पंडापोल परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने चलाने का निर्णय किया। 9 महीने का मतलब होता है लगभग 270 दिन। तो ये जो इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे हैं बीच में नई समस्या हमारे सामने आई। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर साइन किया और अमित शाह ने ये घोषित किया कि आसाम जैसी एनआरसी सारे देश भर में लागू की जाएगी। असल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का नाम देकर बनाया गया कानून है, नाम पाकिस्तान का लिया और लेकर ये कानून बनाया गया। मगर भारत के रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए संकट पैदा करने वाला कानून है। ऐसे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर 12 दिसंबर को जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी तो हमने ये निर्णय किया कि ईवीएम पंडापोल परिवर्तन यात्रा के साथ साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, एनपीआर इन सारे मुद्दों को साथ में लेकर साउथ इंडिया में ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। इसलिए मैं ईवीएम के साथ साथ इन मुद्दों की भी जानकारी आपको दूंगा। मगर इसके पहले कि मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की आपको जानकारी
जानकारी दो। उसके पहले ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके इस बीजेपी सरकार ने ये लाया, वो बीजेपी सरकार आई कैसे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये जो सरकार आई है वो ईवीएम में घोटाला करके आई। इतना ही सच नहीं है, 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई। यहां कुछ लोग कांग्रेस के हो सकते हैं, अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो उनका भी जागरण हो जाएगा, उनका दिमाग साफ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कम से कम दिमाग में कल्याण हो जाएगा। जो बातें उनसे छुपाई गई है, सारे डॉक्यूमेंट्री, ये सारे इधर डॉक्यूमेंट्री नहीं आए, दस्तावेज सबूत के साथ बताऊं, तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, एनआरसी है, और ये जो एनपीआर है, ईवीएम उसकी मां है। बच्चों के बारे में बताओ, मां के बारे में मत बताओ, तो मैं ये बात मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि तो मैं जानता हूं लोगों को क्या जानकारी देनी चाहिए क्या जानकारी नहीं हो। 43 ईयर से ही काम कर रहा हूं, तो इसलिए साथियों आप लोगों को ये जानकारी दिया जाना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चले 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई। घोटाले के सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने सुप्रीम कोर्ट को दिए। सुप्रीम कोर्ट को जब ये सबूत दिए, काल्पनिक बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सबूत है, होगा यही बता रहा हूं आप लोगों, यही मैं लेके आया हूं, आपको बताऊंगा। और जब नोटिस इशू हुई तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सरकार में अड़कम मच गया कि हमारी चोरी पकड़ी गई। जब चोरी पकड़ी गई, इतने में उनके सामने एक बड़ी खबर आई कि अडवाणी जी और चंद्रबाबू नायडू मिलकर ईवीएम के विरोध में देश भर में रथ यात्रा निकालने वाले, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने बीजेपी के सेकंड लाइन लीडरशिप से संपर्क किया कि यात्रा रोकी जाए, मगर सेकंड लाइन लीडरशिप ने कांग्रेस को कहा कि अडवाणी जी की कोई बात रोकने की हमारे पास हिम्मत नहीं। तो कांग्रेस ने सोचा कि अडवाणी को कौन रोक सकता है, तो बहुत बड़े नेता है, तो कांग्रेस को समझ में आया कि अडवाणी जी को तो आरएसएस ही रोक सकती है, दूसरी किसी के पास ताकत नहीं। तो कांग्रेस के नेता नागपुर गए, नागपुर हेडक्वार्टर में, और आरएसएस को संपर्क किया और आरएसएस को कहा कि अडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद के दौरान इसी तरह की रथ यात्रा निकाली थी, तो देश भर में फसाद हुए थे। अगर अपनी बात अडवाणी जी ने यात्रा निकाली तो सारे देश भर में कांग्रेस के जिला दफ्तरों में आग लग जाएगी, क्योंकि ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाने का मामला मैदान में आएगा, और बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा, और इससे ईवीएम इलीगल घोषित हो जाएगी। इलीगल घोषित होने से 2004-2009 में जो कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी वो भी इलीगल घोषित हो
पैरिसेस को कहा, थोड़ा मक्खन लगाया, अडवाणी जी की यात्रा रोकनी होगी। पैरिसेस ने आखिर में रोक दे, अगर देश खतरे में पड़ेगा तो रोक दे। और आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा, आपको भी फायदा होगा, आपने 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव जीता, इसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया, हमारे सीक्रेट एजेंसियों ने, सरकार हमारी है, हमें बताया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सीक्रेट एविडेंस की फाइल आरएसएस के हेडक्वार्टर को दी, तो आप लोगों को भी बताया हमने घोटाला करके चुनाव नहीं था, इसलिए हम आपको बताने वाले नहीं है कि हमने घोटाला करके चुनाव नहीं जीता। हम कहेंगे कि हाँ, हमने चार अरबों में घोटाला करके चुनाव जीता, जब आपको मालूम ही हो गया तो हम भी स्वीकार करते हैं कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता। आप 2014 में घोटाला कर लो, अरे जैसे पूछा तो हमें क्या फायदा होगा, तो कांग्रेस ने कहा आप 2014 में घोटाला कर लो, सरकार हमारी है, 2013 में 14 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जब तक रिजल्ट नहीं आता हमारी ही सरकार रहने वाली है, तो हमारे निगरानी में चुनाव होगा, हम गारंटी देते हैं बीजेपी की सरकार चुनकर लाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, पिछले दो चुनाव में इलेक्शन कमिश्नरों ने हमें साथ दिया, अब वो साथ नहीं देंगे ऐसा कह नहीं सकते, इसलिए आपको भी साथ देंगे और 2014 का चुनाव बीजेपी को जितवाया जाएगा। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि अभी अभी आपने कहा कि आपने 2004-2009 में घोटाला करके जीता दो बार, और आप हमको एक बार घोटाला करके जीतने की बात कर रहे हो, बराबरी की बात। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, नहीं हम ऐसा समझ रहे थे आप देखभाल हो, आपको घोटाले से क्या लेना देना, क्योंकि आप तो देखभक्त हो, इसलिए हमने एक बार का प्रस्ताव दिया, हमें क्या मालूम था, हमें तो यही मालूम था कि कांग्रेस दो नंबरी है, हमें ये थोड़ी मालूम था कि आरएसएस भी दो नंबरी है, अब हमें मालूम हो गया आप भी दो नंबरी हो, तो आप भी दो बार घोटाला कर लेना, मगर एक शर्त है, 2004-2009 के घोटाले के बारे में आपको चुप रहना होगा, 2014-2019 में आप घोटाला करके जीतो हम चुप रहेंगे, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, भारत की प्रजा को मालूम नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने 4 और 9 में घोटाला करके जीता और 14 और 19 में घोटाला करके बीजेपी ने जीता, हम नहीं बताएंगे बीजेपी के बारे में और कांग्रेस हमारे बारे में भारत की जनता को ना बताए, तो इससे भारत की जनता को पता नहीं चलेगा, और अगर कांग्रेस के विरोध में बीजेपी बताए, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस बताए, तो भारत की जनता को मालूम हो जाएगा दोनों ने घोटाला करके चुनाव जीता, तो भारत की प्रजा दोनों के पिछवाड़े पे लात मार देगा, इसलिए दोनों के दोनों चुप रहने चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे कांग्रेस के इतिहास में ईवीएम के घोटाले से, जानते हो 2014 में क्या हुआ, 49 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती, इंदिरा गांधी के विरोध में सारी पार्टियां 77 में इकट्ठा आई थी, फिर भी 150 सीटें इंदिरा गांधी ने जीती। थोड़ा याद करो, हमारे लोगों को इतिहास की जानकारी रखने का शौर नहीं है, इसलिए डाटा बता रहा, 150 सीटें
77 में इंदिरा गांधी ने जीती थी, मगर ईवीएम घोटाले का परिणाम ये हुआ कांग्रेस के इतिहास में 49 सीटें, इतनी कम सीटें कांग्रेस ने कभी भी नहीं जीती, मगर कांग्रेस ने एक शब्द भी ईवीएम के विरोध में नहीं निकाला, एक शब्द नहीं निकाला। 2019 के चुनाव में 52 सीटें, 3 सीटें ज्यादा है, दूसरी बार भी हुआ, कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। ये जो राफेल एयर फ्लाइट है उस पर सोनिया जी बोल रही है, राहुल जी बोल रहे हैं, प्रियंका बोल रही है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि राफेल का घोटाला हुआ, हुआ होगा, हम नहीं मानते कि नहीं हुआ, मगर उससे 10 गुना बड़ा घोटाला ईवीएम का है, उसके बारे में विरोधी पार्टी कांग्रेस होकर और सबसे ज्यादा कांग्रेस का नुकसान हुआ, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही? सारे देश के लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रही है? बोलना चाहिए मगर नहीं बोल रही है। तो इस तरह से आप लोगों को सबूत के साथ बता रहा हूं, तो सौदा हुआ और 2014 का चुनाव 283 सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े अटल बिहारी अडवाणी पूरी ताकत लगाकर 182 सीटों से ज्यादा नहीं जीतवा पाए। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी अडवाणी का चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता, उसके 283 कैसे आ सकते? अटल बिहारी अडवाणी के सामने चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता 283 सीटें 2014 में कैसे ला सकता है? 2019 में 303 सीटें कैसे ला सकता है? कांग्रेस ने अगर बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया होता तो बीजेपी सेंटर में कभी नहीं आती। बीजेपी सेंटर में नहीं आती, सिटीजनशिप अमेंडमेंट नहीं आती, एनआरसी नहीं आता, एनपीआर नहीं आता। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, एनआरसी और एनपीआर की मां जैसे ईवीएम है तो कांग्रेस दादी है, क्योंकि ईवीएम लाने का काम इंदिरा गांधी ने 84 में मरने के पहले संसद में अभिषेक मनु सकवी के द्वारा, नाम के साथ बताओ, शब्दों के साथ प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का समर्थन विरोधी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। प्रस्ताव रखने वाले का नाम अभिषेक मनु सकवी, राजस्थान का नाम। समर्थन करने वाला मेन विरोधी पार्टी का नेता अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा ब्राह्मण सीताराम येचुरी, साउथ इंडिया का ब्राह्मण काला ब्राह्मण, काला ब्राह्मण जानते हो, बुरे ब्राह्मण से खतरनाक होता है। ये तीन ब्राह्मणों ने मिलकर ईवीएम मशीन लाया, इसलिए कह रहा हूं कि ईवीएम सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, एनआरसी एनपीआर की मां है और कांग्रेस दादी है। तो कांग्रेस की वजह से दिल्ली में आए पूर्ण बहुमत से, और इसकी वजह से ये संकट निर्माण हुआ। इसे समझने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है। अगर हम लोग इसको सही तरीके से नहीं समझते हैं तो ये समस्याएं रिपीट होती रहेगी। मैं 92 से बोल रहा हूं, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद से, कि मुसलमानों को सबक सीखना चाहिए। अगर उन्होंने सबक नहीं सीखा तो भविष्य में संकट बढ़ता है, कटेगा नहीं। ऐसे 92 से बोल रहा हूं और मेरे पास ऑडियो कैसेट
बढ़ने वाला है। और इसीलिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं साथियों, ये जो हमारी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये निकालने के पीछे दो बड़े मकसद है। नंबर एक, पहला मकसद ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने भारतीय लोगों को, हिंदुस्तानियों को नहीं, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तानी बोलते हैं और लिखते हैं, आपको दुरुस्त करना पड़ेगा बहुत ज्यादा बात। एक समस्याएं तो आरएसएस और ब्राह्मणों ने आपके लिए पैदा की, दूसरी समस्याएं आपके सोचने और नजरिए ने पैदा की। दुश्मनों ने पैदा की उसके लिए तो जंग लड़ना होगा, आपके नजरिए ने पैदा की तो सोचने का तौर तरीका बदलना। आप में से बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं, पासपोर्ट पर लिखा होता है इंडिया, नीचे लिखा होता है भारत, मगर आप हिंदुस्तान के देश के बारे में बोलते वक्त हिंदुस्तान बोले नजर आप रहे हैं। आरएसएस में भागवत कहते हैं 130 करोड़ लोग हिंदू है और ये हिंदुस्तान है। आरएसएस के लोग कहते हैं देश 130 करोड़ हिंदू है और हिंदुस्तान है। आप क्या कहते हैं? आप हिंदुस्तान में? मैं गाली बागा जमीन में गया, सारे लोग यही कह रहे थे, तो मैंने जब भाषण दिया तो कहा कि मुझे डाउट हो रहा है कि मैं आरएसएस के लोगों के बीच में हूं ना, क्योंकि बात को आरएसएस वाले भी हिंदुस्तान नहीं कहते। जितनी बार आप कह रहे हो नजरिया समझा रहा हूं, जिसकी वजह से आपने खुद संकट पैदा किया, आप है मुझे मार। ये जो आपके नियंत्रण में है, क्योंकि मैं ताली बजाने वाली बातें नहीं करता हूं, कुछ मैं करता हूं तो आदमी सोचने लगता है, सोचने के दौरान आप ताली बजा सकता है। और मैं कभी नहीं चाहता कि जो मैं कह रहा हूं उसके लिए ताली बजाऊं, क्यों? सुनो, समझो, जो समझ में आए उसको रमन करो, ताली बजाने की जरूरत नहीं। जिंदगी में अमल करने से बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं, तालियां बजाने से परिवर्तन नहीं आता दुनिया में, कई ध्यान रखना। और ये बात, जो जितने ज्यादा तालियां बजाने वाले लोग होते हैं हॉल में, ताली बजाने के बाद बाहर जाने के बाद में उतने को बोलने वाले की जिम्मेदारी है, हमने ताली बजा कर उसका हौसला बढ़ा दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये तो बोलने वाले की जिम्मेदारी है, जब उसने बोला तो जिम्मेदार हो गए। तो इसलिए खबरदार, मैं हमेशा इसके बारे में खबरदार रहता हूं। हम एक गुलबर्गा में कार्यक्रम में गए थे तो लाइव पर लाइव लोग तालियां बजाते थे, सीढ़ियां मार देते हैं, और बहुत खाल मार गई कि यहाँ तो रहनुमाई हो नहीं रही, यहाँ तो केवल लोगों को खुश करने की बात हो रही है। वो ऐसी अहम बात उन्होंने कही कि यहाँ तो कोई रहनुमाई नहीं हो रही है, यहाँ तो केवल खुश करने के लिए तकरीरें हो रही है, रहनुमाई करने की जरूरत है, तकरीरों में रहनुमाई करने की जरूरत है। और रहनुमाई करने का मतलब है तकरीर करने वालों ने सुनने वाले लोगों को संकट में राह दिखाने का काम करना चाहिए कि ये संकट है, ये राह, ये रास्ता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हर बात समझा रहा हूं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारतीय लोगों को हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में लोगों को बांटा, गुलाम बनाए रखने के। अंग्रेज आने के 2,500-3,000 साल पहले ब्राह्मण भारत में आए, यूरेशिया से आए, जैसे अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे वैसे ब्राह्मण यूरेशिया से भारत में आए, और आने के बाद उन्होंने यहां की प्रजा को 6,000 जाति के
पिछड़े आदिवासियों की, 3743 जातियां पिछड़े वर्ग की, गिनती करो 6000 से ज्यादा होती है, मगर हम 6000 मान लेते हैं। ये ब्राह्मण अंग्रेजों के आने के 2500-3000 साल पहले ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े हमारे किए, भारतीय लोगों के किए। एक आदमी ने मुझे पूछा कि अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है। मैं अगले दिन करके बताता हूं। उसने कहा, मैं कहा वही बात क्यों हो, लोग तर्क करके बताते हैं, हम गणित करके बताते हैं। मैंने कहा सुन लो जाए, इसे तसल्ली हो जाए। 6000 से 6000 के आंकड़ों से अगर अंग्रेजों के दोष से भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3000। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण का डीएनए और यहूदियों का डीएनए एक है, और यहूदी जो है, यहूदियों ने मोहम्मद साहब को जिंदगी भर परेशान किया। जब मोहम्मद साहब को यहूदियों ने नहीं बख्शा तो मुसलमानों को बख्शते ही पर ये समझने वाली बात। इसके लिए बता रहा मजलूम और जालिम का फर्क समझना जरूरी है, इसलिए समझा रहा। साथियों, इन लोगों ने हम लोगों को 3000 साल से सताया, आप लोगों को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से कश्मीरी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, और उसने लाल किले से भाषण करके कहा देश आजाद हो गया। हम लोगों ने माना देश आजाद हो गया, इस वजह से संकट है। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, और उसने 72 साल से देश में अंग्रेजों की जगह सारा का सारा कब्जा ब्राह्मणों का कैसा हो एक काम किया। 72 साल में सबसे बड़ा काम एक काम किया, परिणाम था देश में ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापन किया। ये परिस्थिति है। आपने कभी देखा किसी ब्राह्मण को खेती में हल चलाते हुए देखा नहीं? ईमान का जो ईमान शब्द है वो अरेबिक है, संस्कृत भाषा में ईमान शब्द नहीं है। संस्कृत ब्राह्मणों की बोली है भाषा, उसमें ईमान शब्द क्यों नहीं जानते? क्योंकि ब्राह्मणों का और ईमान का कोई संबंध नहीं। ईमान चरित्र से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये समझने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो ब्राह्मण हैं, आपने कभी खेती में हल चलाते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग खेती में हल चलाने के लिए तैयार है, वो क्यों करेगा? हमारे लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रोटी कमाते हैं, फिर उसके घर में बच्चा पैदा होता है और फिर वो ब्राह्मण के घर में जाता है, कहता है पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? एक आदमी ने उसको कहा, अरे बेटा पैदा किया तो नाम भी रख ले। पैदा करना आसान काम है, नाम रखना कठिन काम है। तो उसने
कठिन काम है, पैदा करना आसान काम है, बुद्धि तो हमारे पास है, बुद्धि के पास है। तो ठीक है, पंडित को पूछा क्या नाम रखे, पंडित ने पूछा कब पैदा हुआ, कहा बुधवार को। अच्छा बुधवार को पैदा हुआ बेटा, बुद्धू राम रखे। तुम्हारे आदमी कहा बुद्धू राम अच्छा नाम लगता है, सरल और सुनने लायक अच्छा लगता है। तो हमारे आदमी को क्या पता है बुद्धू राम का मतलब है गले राम, बुद्धू राम का मतलब है मूर्ख राम होता है। बिहार में जाओ तो मूर्ख राम होता है। तो हमारा आदमी पूछता है पंडित जी ये नाम रखने का कितना दक्षिणा देवे, कहा 1000। तो 1000 एक रुपया दे देता है, घर बैठे बैठे जब पंडित जी को 1000 एक मिल जाता है, अंचना की जरूरत है। ये दूसरा खतरनाक होने का सबूत बता रहा। तीसरा सबूत, कितने यहाँ बैठे हुए मुस्लिम नॉन मुस्लिम लोगों को पता है कि ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। चलो बहुत अच्छा है, 2-4-5-10 लोगों को जानकारी है, 30-50-100 लोगों को जानकारी, बहुत खुशी की बात है। और ज्यादातर मेरा वीडियो सुनते सुनते लोग जानकार हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मेरा कार्यक्रम 20-25 साल से चल रहा है, जिनको पता है 3.5% ब्राह्मण है और कर्नाटक में 1.5%। अगर ईमानदारी से चुनाव करवाए जाए तो ग्राम पंचायत का ब्राह्मण पंच चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं। ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है ये ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। जब अडवाणी और सुषमा स्वराज नहीं मान रही थी तो आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया और कहा, सुषमा जी को कहा हट जाओ, अडवाणी को कहा हट जाओ, और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया है एज़ पीएम। गोवा के कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड हमने अपने पास रखा है, सुरक्षित डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। यहाँ पुलिस वाले पुलिस वालों को कहते रहता है कायदे रिकॉर्ड कर रहे, ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सारे देश दुनिया में दिखाया जा रहा है। मैं उनको कहा तो मैं सारी की सारी कॉपी दे देता हूँ, आपको पोस्टल सर्विस के 4 चाहिए तो मेरे से ले लो ले लो, क्योंकि मैं तो परेशान हूँ, थोड़ा सारा डॉक्यूमेंट भी विजन बता रहा हूँ, कार्रवाई की करो। विजन सबके क्या करोगे, कार्रवाई करना पड़ेगा, कार्रवाई करते नहीं हो काय के लिए विजन देते हो। तो इसलिए बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनेटेड शब्द आपको उसका समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको किसान का बेटा हूँ, देहाती आदमी हूँ, अब घास से शहर में आया, ग्रेजुएट को गाँव में काम मिलता होगा इसलिए शहर में आया। तो आपको बता रहा हूं कि गांव में जब शादी होती है उसके पहले मैं महिलाएं जो हम उपस्थित है माफी मांगी, शादी होती है तो गांव का आदमी अपनी शादीशुदा बीवी का परिचय देता है, मेरी शादीशुदा बीवी। तो गांव का आदमी दूसरा जो उसका दोस्त रहता वो कहता कि तो ठीक है ये जो औरत खड़ी है ये कौन है, ऐसी लड़की। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही रखा हुआ होता है। और पिछले
जो बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी कानून के संदर्भ में ले रहे हैं, ये आरएसएस के एजेंडे के सब्जेक्ट है, आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस के लोग ये फैसले कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। और आप कह रहे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, आप कह रहे अमित शाह जिम्मेदार है, अरे मकबूल है, दिखावा है। दिमाग कैसे होता जानते हो, एक किसान का बेटा होगा, दिखाओ कैसे खेती में फसल आती है और पक्षी आते हैं कानून पर नुकसान करते हैं, तो खेती में जो किसान काम करता है, बड़े पुराने कपड़े निकालता है, लकड़ी में डाल कर उसका किसान बनाकर खेती में ऐसा हमसे कम हंसने वाले ऐसा। दूसरे दिन पंछी आते हैं, एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देख किसान किसान तो है, भाई एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है। ये दिखावा है, असली पावर पर्दे के पीछे ब्राह्मणों के हाथ में है और वो उनके हक और उनके फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड है, वो तो भारत का है, ब्राह्मण भारत के नहीं है, खतरा नरेंद्र मोदी को नहीं है, खतरा ब्राह्मणों को है, इसलिए ये कानून बना रहे हैं। जो विदेशी है वो हमको कागज मांग रहा है, क्योंकि भारत के वो खिलाफ खुद ही सारा विदेशी है, ब्राह्मण खुद ही विदेशी है, जो विदेशी है वो हमसे कागज मांग रहा है। तो नरेंद्र मोदी ये फैसले नहीं कर रहा है, ये फैसले पर्दे के पीछे ब्राह्मण कर रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूं, उसको समझने की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, लड़ाई लड़ते वक्त ध्यान रखना होगा कि असली दुश्मनों से लड़ना होगा। अगर आप नकली दुश्मनों से लड़ने का काम करोगे और नकली दुश्मन जब मर जाएगा तो भी असली दुश्मन हम अपने बारे में दुश्मनों को पहचान करने के बारे में स्पष्ट लड़ाई किससे लड़नी। दूसरी बात और बताना चाहता हूं कि ये जो 3.5% ब्राह्मण है, इनकी भारत में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, जिसकी 85% संख्या है उनकी नहीं, जिनकी 3.5% संख्या है उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने कांग्रेस बनाया। कोई मुसलमान बता सकता है 1885 को कांग्रेस बनाने में कोई मुसलमान शामिल था? 2-4 महीने का समय ले लिया, अभी नहीं बता सकते, 2-4 महीने का समय लेके बता दें तो मैं छानबीन करके बता दिया आपको, अगर आप छानबीन कर दें कोई मुसलमान नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई तो हम लोगों के लिए थोड़े अपने पास लेकर बनाई, इसके समझना जरूरी है। तो ये कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई और जब देश आजाद हुआ तो एक ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास बहुमत था। गांधी ने वेटो पावर का इस्तेमाल करके एक आदमी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। दूसरी पार्टी 1925 को श्रीपाद अमरू डांगे नाम के ब्राह्मण ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। इसी पार्टी से तीसरी पार्टी निकली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ईएमएस नंबूदरी मार्ग, नंबूदरी ब्राह्मण केरला का उसने बनाया। चौथी पार्टी गोलवलकर जो आरएसएस का था उसने 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जनसंघ बनाई। जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, अडवाणी ने 77 में इमरजेंसी के विरोध में जनता पार्टी में जनसंघ विलीन किया, विवाद हुआ, सीधे भारत वापस आए और वापस आकर
की पार्टी। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। 2017 में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले काम करती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? तो केवल डाटा हो गया, इसका मतलब बता। इसका मतलब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस जालिमों का संगठन, बीजेपी जालिमों का संगठन। एक जालिम जाता है, दूसरा जालिम आता है। आप लोगों को कुरान में, हदीस में पढ़ाया गया, समझाया गया, जालिमों से सावधान। एक सुराख से बार बार नहीं कसा जा सकता, आपको समझाया जा रहा। इसलिए बता रहा, काशीराम जी ने कांग्रेस और बीजेपी को कहा था, एक सापनाथ है, एक नागनाथ। सापनाथ के पास जहर, नागनाथ के पास जहर। सापनाथ के पास जाओगे तो जहर से नुकसान होगा, नागनाथ के पास जाओगे जहर से नुकसान होगा। हो रहा है सारे देश भर में, या तो बीजेपी का राज है या तो कांग्रेस का राज है। और जहां बिहार के नीतीश कुमार, झारखंड में हेमंत सोरेन, ये तो बीजेपी के समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन से। हैदराबाद सारे देश भर में इन्हीं पांच पार्टियों का राज है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है देश में ब्राह्मण राज है। ब्राह्मण कौन है? यहूदी के खानदान का है। ब्राह्मण का डीएनए और यहूदी का डीएनए आपस में मिल गया। प्रोफेसर राजन दीक्षित ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रूव कर दिया कि यहूदी का डीएनए ब्राह्मण का डीएनए एक है। इन लोगों का राज है, ब्राह्मण राज है भारत में। आखिरी बात खतरनाक होने के जो सबूत दे रहा हूं, भारत में लोकतंत्र है, सारे दुनिया में लोकतंत्र चार पिलर पर खड़ा है। विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है। 2009 में 375 लोकसभा सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा। 2019 में 451 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा। आउट ऑफ 543 विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआईएस जो अधिकारी है 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण है। आप पुलिस चौकी में जाते हो एफआईआर नोट करने के लिए, मुसलमानों का एफआईआर नोट क्यों नहीं होता? मंत्री की वजह से होता है, ये अधिकारी की वजह से होता है। आमतौर पर जब कोई मुसलमान एफआईआर के लिए जाता है नोट करने के लिए, तो ऐसे लोगों को उनको ही अंदर डाल दिया जाता है, उसका एफआईआर नोट नहीं होता। मैं केसेस लड़ रहा हूँ, कोर्ट में जानता हूँ। तो इस तरह से ये जो कार्यपालिका है, दूसरा पिलर, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। तीसरा है न्यायपालिका, 97% ब्राह्मण है। 10% पूछे जाति के लोगों का। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उसके बाद रंजन गोगोई हो गए, अभी बोबड़े ये हमारे नागपुर का, उसका दादा आरएसएस का सेंट्रल लेवल का लीडर था, अभी वो चीफ जस्टिस है। हमारे पास एक एक आदमी का डाटा रखते हैं, कुंडली रखते हैं, देश भर में इधर क्या हो रहा है। जानकारी नहीं होगी तो लड़ाई कैसे लगेगी? लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली से लड़ाई नहीं होती। लोकतंत्र में जानकारी, ज्ञान और विचारधारा से लड़ाई होती है। जानकारी, ज्ञान और विचारधारा से लड़ाई होती है। इसे समझना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। चौथा पिलर मीडिया का।
चार प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्राम दुनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें ग्राम दुनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू आसरा बापू डोंगरे महाराज ओझा महाराज बाजा महाराज राजा महाराज ये नहीं महाराज बचा कुचा महाराज है कोई महाराज 2400 घंटे दिमाग चौपट करने का काम में लगे। चौथा मीडिया है देश में 7,500 बोलियां बोली जाती है, मूल निवासी के लोग बोलियां बोलते हैं, स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, प्रामाणिक ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, शासन में उसकी मान्यता है, हमारे 7,500 बोलियां बोली जाती है, कोई मान्यता नहीं, सारे मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और इस तरह से लोकतंत्र के चारों पिलर पर अगर ब्राह्मणों का कब्जा है तो कहां है लोकतंत्र, तो ब्राह्मण तंत्र हो गया, कहां है लोकतंत्र, ये तो ब्राह्मण तंत्र हो गया। दिल्ली में एक प्रोफेसर मिला, प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा मिश्रण जी आपका वीडियो सुना, आप मेरे देश में लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र है, ये बात सही है ना, कैसे कि हर 5 साल बाद हमारे देश में चुनाव होता है, तो आपकी सारा कहते लोकतंत्र। मैंने कहा मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रोफेसर, प्रोफेसर का मतलब है यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दिमाग आदमी को ही प्रोफेसर बनाया जाता है, आपका मानना ये है चुनाव माने लोकतंत्र, आप केवल चुनाव को लोकतंत्र मानते हो, चुनाव माने लोकतंत्र नहीं होता, राजाशाही खत्म होने के बाद लोकतंत्र आया, राजाशाही में क्या होता था जानते हो, थोड़ा समझ आता एक्शन कर, राजाशाही में क्या होता देखो, राजाशाही और लोकतंत्र किसी अधिकारी को मिलने के जाओ तो ऐसा करने जरूरी है, लोकतंत्र की जीवन प्रणाली अलग है और राजाशाही की जीवन प्रणाली अलग है, राजाशाही में कभी हो कभी मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, राजाशाही में क्या होता है, मेरी पुरानी मुगले आदत फिल्म देखी उसमें डायलॉग था अकबर का, अकबर के मुंह से निकला हुआ अगर मांस इंसाफ है, केवल अकबर नहीं दुनिया में जो भी राजा है, कोई भी राजा किसी भी धर्म किसी भी विचार को मानने वाला हो अगर राजा है तो यही कहता है कि हमारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज इंसाफ है, ये राजाशाही है, यहां पुलिस को आपको अरेस्ट करने का अधिकार है, फैसला सुनाने का अधिकार न्यायालय को, जीवन प्रणाली अलग है लोकतंत्र की और इसकी। मैंने प्रोफेसर साहब को कहा प्रोफेसर साहब अरे आपको तो ये भी पता नहीं है हमारे देश में 36 स्टेट है और हर साल एवरेज 7 राज्यों में चुनाव कराना पड़ता है, 5 साल में नहीं हर साल 7 राज्यों में चुनाव होता है, चुनाव माने लोकतंत्र नहीं, ये जीवन प्रणाली अलग अलग है और चुनाव माने लोकतंत्र नहीं होता है, एक ब्राह्मण तंत्र जो है ये लोगों के वोटों को खरीद कर इधर सरकार बना रहे हैं, अब तो वोटों को खरीदने की भी जरूरत नहीं है, ईवीएम के अंदर वोट जाने के बाद वो आपका वोट अंदर ही अंदर निकाल कर अपना विजय घोषित करते हैं, आपको पता ही नहीं। तो इस तरह से इन लोगों ने 6,000 जाति के टुकड़ों में हमें बांटा, हम बटे हुए लोग नहीं है बांटे हुए लोग हैं, तो बांटे
निमित शक्ति का उपयोग और प्रयोग आजादी हासिल करने से करना होगा। दुनिया में आजादी सभा सम्मेलनों से नहीं मिलती है, संगठित शक्ति से मिलती है। व्यापारी आए सुनने के लिए आए, अगर आपने यहाँ जाने के बाद अपने आप को संगठित करने का प्रयास नहीं किया तो केवल तकरीरें सुनने से आजादी नहीं मिलती है। दुनिया में आज तक इतने लोगों को भी आजादी मिली संगठित शक्ति से मिली है। ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए आपको समझा रहा हूं। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है लोगों को जगाना, जोड़ना, शक्ति का निर्माण करना और आजादी हासिल करने के लिए शक्ति का उपयोग करना। दूसरा उद्देश्य है आजकल बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होता है, आजकल ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। और ईवीएम मशीन के द्वारा जो चुनाव होता है वो ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है। 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के द्वारा निर्माण की हुई अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है और उसका दिया हुआ फैसला कानूनी दर्जा हासिल करता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला देते वक्त प्यारा नंबर 29 में लिखा, क्या लिखा? केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है एक शब्द में अगर बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाए जा सकते। मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद फिर किसी इंस्पेक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो चुनाव आयोग है ना, ये चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ये ऑर्डर है देखिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया, आज तक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतना बड़ा जजमेंट एक लाइन की खबर नहीं छापी, अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापी, थोड़ा समझ लो, अखबार के पिछवाड़े में भी खबर नहीं छापी। ये जो मीडिया है ये राष्ट्र हित के विरोध में खबर नहीं छापी और उन्होंने विरोध करने का काम किया। ऐसे मीडिया को मैं राष्ट्र को ही मीडिया कहता हूं। मीडिया राष्ट्र तो ही है, तो मैंने कहा कि मीडिया वाले मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर, मैंने राष्ट्र तो ही कहा। 6 महीने तक आ देखा किसी ने, मैंने सोचा वो लोग नहीं कर रहे मेरे खिलाफ, तो मैंने ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट कर दिया। जिसके दामन पर दाग होगा उसको डर होगा। हमारे पास सबूत है कि इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया और अखबार वालों ने खबर नहीं छापी।
प्रदेश में भाषण करने के लिए गया, चुनाव का समय था। एक कार्यकर्ता स्टेज पर आया और कहा कि चुनाव आयोग के लोग आपका भाषण रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि अब तुम देखो, मैं 2 महीने में जो चुनाव आयोग का आदमी उसको बना देता हूँ। अभी कैसे अभी देखो, मैंने अपना भाषण का विषय बदल दिया और चुनाव आयोग के विरोध में भाषण शुरू कर। मेरी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी, सारे सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए, शुरू कर दिया। तो जो भाषण कर रिकॉर्ड करने वाला आदमी चुनाव आयोग ने भेजा था, सब चुनाव आयोग ने तो वामन मिश्रा को पकड़ने के लिए भाषण रिकॉर्ड कर दिया, तो वामन मिश्रा को चुनाव आयोग को पकड़ रहा है। अगर ये रिकॉर्ड करूंगा तो चुनाव आयोग पैसा नहीं देगा। उसने अपने गले का गमछा निकाला और जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसको कार्यकर्ता द्वारा स्टेज पर आया, पहले लगा कि वो चला गया। उसी को देख रहा, 100 जगह भाषण के लिए गया, दोबारा कभी मुझे मेरे सभा में चुनाव आयोग ने आदमी नहीं किया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस रहेगी। साथियों, मेरे किसी सवाल का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, इसके आधार पर मैं बोलता हूं। तो चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ये केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। केस के केवल 2 ही मुद्दे थे। पहला मुद्दा था 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, उसके सबूत। और ईवीएम मशीन में 4 बड़े फॉल्ट। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, देखने के बाद जब आपको चुनाव निशान दिखाई देता तो आप स्टैंप या मोहर उठाकर वहां पर स्टैंप लगाते। स्टैंप लगाने के बाद क्या करते, फिर दोनों आंखों से देखते, सही जगह लगाए, इंश्योर करते, खातरी करते, गारंटी करते कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा हुआ या नहीं हुआ। निश्चित होकर घर में जाते थे कि मेरा वोट मैंने जिस कैंडिडेट के नाम पर जमा किया उसी के नाम पर जमा हो गया। ईवीएम आ गया, ईवीएम आ गया, ईवीएम में क्या करते हो, बटन दबाते, लाइट जलता है, एक आवाज होता है और वोट आपका ईवीएम मशीन के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो किसके नाम पर जमा होता है आपको आंखों से दिखाई नहीं। एक बुजुर्ग आदमी का उदाहरण देता, बुजुर्ग आदमी, अनपढ़ आदमी वोट डालने के लिए गया, उसने बटन दबाया, लाइट जला, इसका आवाज हुआ, उसको देखने की आदत है, उसको दिखाई नहीं दिया, उसने देखने की कोशिश की कि मेरा वोट कहां गया, उसने देखने की कोशिश की, देखो कैसे इतने में चुनाव आयोग का कर्मचारी आया, उसने कहा तो बाबा ने मुंह बिगाड़ कर कहा, अच्छा हो गया, अंदर चला गया, दिखाई देगा नहीं वो अंदर गया, अंदर गए तो दिखाई, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर चलेगा। तो जाते जाते सोचते सोचते गया, ये सारा इन लोगों ने मेरे वोट को चुना तो नहीं लगा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सोचा और मामला सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा,
मशीन में जाने के बाद किसके नाम पर जमा होता है इसका कोई अता पता पोर्टल को लगता नहीं है। पॉइंट नंबर एक, चीफ जस्टिस ने नोटिस नोट किया। पॉइंट नंबर एक क्या समझा रहा हूं, और सीरियस बात है, आप और हमारी आने वाली नस्लों के भविष्य का बात कर रहा है। अगर हमारे वोटों से एमएलए एमपी चुनकर नहीं जाएंगे तो एमएलए एमपी हमको नमस्कार करने के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेंगे। ध्यान रखो, बोले ना ईवीएम से चुनकर आ रहा हूं भाई, तुम्हारे वोटों से तो हो ही आ रहा है। तो इसलिए इसको समझने की कोशिश करो, ये अहम बात है जो आपको बता रहा हूं साथियों। वॉल्ट नंबर दो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि ईवीएम मशीन में जब बैलेट पेपर होता था तो 6 महीने तक ये बैलेट पेपर रहता था बैलेट बॉक्स में, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार एविडेंस रखना पड़ता था चुनाव आयोग का 6 महीने तक। मगर ईवीएम मशीन में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, संख्या। इसका मतलब क्या है संख्या का, एक संख्या दूसरी संख्या में जाकर मिक्स हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का आदमी आया, उसने वोट डाला, बीजेपी को वोट डाला, उसका वोट जमा हो गया एक। कांग्रेस वाला आया, उसने वोट डाला कांग्रेस को, कांग्रेस का वोट गया मशीन में, जाने के बाद एक संख्या बीजेपी में जाके मिक्स हो गई, बीजेपी के हो गए दो, कांग्रेस का हो गया जीरो। 2004 2009 में बीजेपी वाले ने वोट डाला, पहले से कांग्रेस का एक था, बीजेपी का वोट कांग्रेस में जमा हो गया, बीजेपी हो गया जीरो, कांग्रेस हो गया दो। तो ईवीएम मशीन का इस देश में नेशनल लेवल पर केवल दो ही पार्टी को फायदा हो रहा है, और वो है कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस। 2018 के दिसंबर माह में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, और 5 महीने के बाद उसी राज्य में बीजेपी आई। कांग्रेस बीजेपी में समझौता था कि राज्यों में तुम्हारे मुख्यमंत्री होंगे और लोकसभा में हमारी सीट क्या है, उसका डाटा हमारे पास। मध्य प्रदेश का डाटा का एग्जाम्पल बताता हूं, 230 विधानसभा में 203 जगह पर ज्यादा वोट निकले और कांग्रेस जीती, जितने लोगों ने वोट डाले उससे ज्यादा वोट निकले, वो डाटा का एविडेंस हमारे पास। साथियों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दूसरे नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि उसकी वजह है कि ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है। पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर तीन, बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। ये फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है थोड़ा आपको बता दें, हमारे लोगों को चुनाव लड़ने की बहुत खुजली है, गांव में बाप दादा की जमीन बेच देते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मगर फिजिकल वेरिफिकेशन समझ में नहीं आता। आपको बताता हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन क्या। गुना के पास नगर जिला है, नगर में एक बड़ा अधिकारी रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद मेरी सभा भाषण सुनने के लिए आया, और रात के 11 बजे के बाद जब मैं सोया था आया जगाया मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों, मैं आपका भाषण सुनने की वजह से नींद नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है। कहा कि मैं जब अधिकारी था तो मैं रिकाउंटिंग करवाता था, ऊपर से मुझे निर्देश आते थे, 25-25 के कट्टे बनाए जाते थे और हम बनाते थे, और हमको निर्देश आता था कि 25 के कट्टे बना मानो और अंदर विरोधी पार्टी के 23 वोट रहते हैं,
के अंदर रखे तो हम काउंटिंग सेंटर पर जो विरोधी पार्टी के एजेंट होते थे उनको दिखाते थे। क्या दिखाते थे? मैंने क्या कहा, देखो विरोधी पार्टी के एजेंट को देखो, बन गया बन गया बन बन गया बन गया बन गया, विरोधी पार्टी के एजेंट मान लेते थे बन गया। देर को सबसे पीछे रखा तो विरोधी पार्टी के लोग मान लेते कि 25 से 25 वोट कांग्रेस, मगर जब चुनाव जीतने वाला आदमी हार जाता तो एप्लीकेशन करता मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, दोबारा काउंटिंग करो, दोबारा काउंटिंग होगी। दोबारा काउंटिंग में क्या होता, एक 25-25 के गठे भागे ऐसे खोले ऊपर कांग्रेस का निकलता, नीचे कांग्रेस का निकलता और अंदर 23 वोट विरोधी पार्टी के निकलता। तो जो हारा हुआ कैंडिडेट होता था वो जीत जाता था, जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता था। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड अवेलेबल है, आपको चाहिए ले लो, हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए हमने ये दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। तो अधिकारी ने ये मुझे बताया, इसलिए आपको बता रहा हूं कि बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था तो चोरी पकड़ी जाती थी, ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए चोरी पकड़ी नहीं जाती, इसलिए चोर चुनाव जीत लेता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, पॉइंट नंबर 3, आप में से बहुत सारे लोगों को जो कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा, आपको समझने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चीफ जस्टिस को समझा रहा है, उसको समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं, क्योंकि आप फैसला नहीं ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फैसला लेना है, वो जज लिख रहा है। फॉल्ट नंबर 3, फॉल्ट नंबर 4, बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग होती थी, पारा हुआ चीज जाता था, जीता हुआ हाथ में, ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस रही, वो फिजिकल वेरिफिकेशन है, बात आपको बता रहा है।
तो इस तरह से साथियों सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाया, कहा कि डॉक्टर साहब आपकी बात मान लेते हैं, ईवीएम में चार फॉल्ट है, मगर हमारा एक मामला है, हमारा एक कहना है, क्या ईवीएम मशीन का जो फॉल्ट है वो सुधार करने के लिए कोई सुझाव है? क्या सुझाव? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा ईवीएम मशीन के पहले हमारे देश में एवीएम मशीन थी, ईवीएम मशीन थी, पहले ही जवाब नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने पूछा किसने लिखा, तुम कितने पढ़े लिखे, नौकरी नहीं कैसे लिख सकते। मैंने कहा अगर दूसरे वकील से लिखा होता तो ये केस उस वकील को नहीं देता, तेरे पास क्यों आता। मान लिया समझा। तो डिफेमेशन में अगर आपके पास सबूत है, आप बोल रहे हो, कोई डिफेमेशन नहीं होता। अगर आप बोल रहे हो सबूत नहीं है, डिफेमेशन होता है। मेरे पास सबूत है तो तू सबूत दिखा था तो बोल रहा हूं। तो इसलिए आपको समझा रहा हूं, 2014 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पेपर टेप मशीन लगाने का, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया, बीजेपी को 31% वोट पड़े और 283 लोकसभा की सीटें जीती। मैंने पुराने चुनाव का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला किसी भी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, मगर बीजेपी को 283 11 सीटें ज्यादा मिली। सिद्ध हो गया घोटाला करके चुनाव जीता। मैंने जून महीने से इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया 14 से, और कुछ समय बाद मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेन मशीन लगाने का आदेश दिया आपने क्यों नहीं लगाया। चुनाव आयोग ने मुझे लिंक कर दिया, नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेन मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, लिंक कर दिया चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट को दिया। मैंने चुनाव आयोग को कहा नरेंद्र मोदी भारत सरकार का प्रधानमंत्री है, भारत की ट्रेजरी का मालिक नहीं है, उसके बाप दादा की संपत्ति नहीं है भारत सरकार की ट्रेजरी, पैसा नहीं देता है देखता हूं कैसे देता है। सुप्रीम कोर्ट में कहता है ये सब डॉक्यूमेंट के साथ चल रहा, इसीलिए सारे देश भर में कहीं पर भी पुलिस वालों में देर होगा, पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा मेरा भाषण रिकॉर्ड करके जाते और कांस्टेबल को भेज दे रिकॉर्ड करने, और जब सुनते तो माथे को हाथ मारते गायके बेटा। के चुनाव में फिर
153 सीटों पर लोगों ने जितना वोट डाला उससे कम निकला, अब 372 में, जबकि 3 में 220 जगह पर 54 लाख से ज्यादा वोट निकला। पिंड के पत्रकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, पूछा ये कैसे हुआ। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हमने अपने चुनाव आयोग के साइट पर जो डाटा डाला वो धीरे 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 अपलोड किया। तो पिंड के पत्रकार ने पूछा, जब डाटा आपने धीरे 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 डाटा डाला तो ज्यादा 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 वोट कैसे। उन्होंने सीक्रेट मैसेज सारे ऐसे अधिकारियों को भेजा। आप सोचते होंगे मेश्राम जी, अगर ये मैसेज सीक्रेट था तो आपके पास कैसे आए? जैसे भारत सरकार की सीआईडी वाली बदमाशों को कैसे पकड़ना है, हमारे पास हमारे पास सीक्रेट मैसेज की कॉपी। सीक्रेट मैसेज क्या लिखा हमारे क्या लिखा, ये डाटा कैरी नहीं हो रहा है। घोटाले वाला डाटा सर टैली कैसे होगा? घोटाले वाला जो डाटा है वो टैली कैसे होगा? तो चुनाव कमिश्नर लिख रहा है कि डाटा टैली नहीं हो रहा है, 30 मई तक टैली करके भेजो। अधिकारियों ने भेजा, आरटीआई के लोगों ने मांगा, चुनाव आयोग ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तो चुनाव आयोग को लगा है तो सब और ज्यादा फंसने का मामला। तीसरी भयंकर बात आपको बताता हूं, आप सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे। एक आरटीआई के कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को लिखा, कितनी मशीनें चुनाव आयोग को दी? कहा 40 लाख। बाद में उसने चुनाव आयोग को पूछा आपके पास मशीनें कितनी? कहा 20 लाख। उसको मालूम हो गया 20 लाख मशीन मिसिंग है, उसने वीडियो तैयार किया और कहा जो मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर चुनाव नहीं होगा, जो मशीनें मिसिंग है उस पर चुनाव होगा। आप लोग सोचते होंगे माते प्रार्थना के लिए सारा कितना भयंकर चल रहा है। आप लोग सोचते होंगे इसका कोई सबूत है? मैं बदेश सदस्य से नहीं बोलता हूं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अब्दाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, उसका भाई मुख्तार अंसारी कौन है कहते हैं, उसके बाद हथियार बंदस्ता था, उसने मिसिंग मशीन का ट्रक पकड़ा जो काउंटिंग सेंटर पर लाया जा रहा है। काउंटिंग हुई, अफजाल अंसारी को कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, उसने चुनाव जीत लिया, उसके बाद वो ट्रक छोड़ा, इस वजह से वो चुनाव जीत गया। मायावती अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की तरह एक भी ट्रक नहीं पकड़ पाए, वो हार। मुख्तार अंसारी के भाई ने ट्रक पकड़ा, उसका भाई चुनाव जीत गया। सबूत नंबर एक। सबूत नंबर दो, नागपुर में नितिन गडकरी जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है उसके विरोध में नाना पटोले चुनाव लड़ रहे थे, उसके पास एक डिवाइस था उसमें रिकॉर्ड था। नागपुर के वोटर्स ने जिन मशीनों पर वोट डाला उसके सीरियल नंबर, जब काउंटिंग शुरू हुई वो सीरियल नंबर की मशीनें जिस पर नागपुर के लोगों ने वोट डाला वो मशीनें गायब। जिन मशीनों पर नागपुर के लोगों ने वोट नहीं डाला वो मशीनें कलेक्टर काउंटिंग सेंटर पर लाए जा रहा। नाना पटोले ने कलेक्टर से झगड़ा किया, कलेक्टर उम्र के आदेश पर अमल कर रहा था, उसने नहीं माना, नागपुर के हाईकोर्ट में गया। नागपुर के हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया, अभी तक मई नोटिस दिया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 9 महीने हो गया, दूसरा नोटिस दिया, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं। नाना पटोले ने जब हाईकोर्ट में केस दायर किया तो अपनी पार्टी को पूछा, सोनिया गांधी ने कहा हाईकोर्ट मत जाओ। अब ये थोड़ी बताएंगे कि हमारा आरएसएस के साथ कोई समझौता है और बीजेपी 2019 के चुनाव जीते। मत जाओ, वो नहीं माना, वो हाईकोर्ट गया, वो चुप रहने के लिए तैयार नहीं है।
ईवीएम के विरोध में तो उसको चुप करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का सभापति बना मेरे सुप्रीम कोर्ट के वकील को मैंने उसको पूछवाया कि नागपुर के अंदर जो केस है वो आओगे क्या, तो ले आप थोड़ा सा गाड़ी पड़ा करते मैंने कहा बंद करने का मामला चल रहा आपके कर्नाटक का उदाहरण देता मल्लिकार्जुन खड़गे का सुना वो कभी चुनाव नहीं आपकी बार नकली नकली ने पढ़ रखी तो प्राइवेट मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा ईवीएम की वजह से अब कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। अखबार में खबर आई दिल्ली में सोनिया गांधी को मालूम हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के लोग आंदोलन करने वाले ईवीएम में, तो मैडम ने खड़गे को टेलीफोन किया और कहा खड़गे जी अगले बार आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है क्या। टेलीफोन आने के बाद से ईवीएम मशीन के विरोध में खड़गे जी ने बोलना बंद कर गया
ओबीसी के लोग जागृत नहीं हुए और मुसलमानों ने उनको जागृत करने का काम नहीं किया, वो एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी के कैंप में घुसेंगे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सीरियस बात, क्योंकि ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोग देखो ना, ये 3000 साल के जाहिल लोग। जाहिल क्यों कह रहा हूं, हिंदी में अनपढ़ शब्द है तो आपको भी समझ में आएगा, मगर मुसलमानों को समझने के लिए जाहिल शब्द बहुत अच्छा है। जाहिल जो है वो 3000 साल का जाहिल, इनको ब्राह्मणों के मनुस्मृति के अनुसार पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया, तो उनको तो ये समझ में ही नहीं आता हिंदू क्या होता है और क्या नहीं होता। एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, अगर हिंदू के नाम पर उनको नागरिकता दी गई और कल आसाम में एससी एसटी ओबीसी के लोग कलेक्टर के पास गए कि हमें एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दो, तो कलेक्टर बोलेगा आपको हिंदू के नाम पर नागरिकता दी गई है, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर आपको सर्टिफिकेट नहीं। तो ये यहूदियों की जो खानदान है ना, ये शैतानी दिमाग के लोग, आपको समझने की जरूरत है, इसलिए एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। और अमित शाह कर्नाटक में आया और भाषण दे के गया कि दलितों के समर्थन में है ये कानून, ज्यादा पर है 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, कैसे समर्थन में कैसे है। मगर उनके पास मीडिया है, उनकी बात अखबार वाले छापते हैं, टीवी वाले दिखाते हैं, बाबन मेसाम के पास अखबार नहीं है या अखबार वाले छापते नहीं है, मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं कोई हथियार चलाने की बात नहीं कहता हूं, मैं लकड़ी लेकर नहीं चलता, की बात और हम किसी तरह नहीं डरते। अभी देश के मूल निवासी है और अगर पुलिस वाले उनका समर्थन ना करें और बदमाश को पीटने की ताकत रखें, बीजेपी की जहां सरकारें हैं वो पुलिस उनकी मदद करती है, अगर पुलिस उनकी मदद ना करे तो हर बदमाश को हम अपने लेवल पर पीट सकते हैं। और इस पीटने में मुझे एक भी मुसलमान की मदद की जरूरत नहीं, सरकार थी तो हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने में भेजा, हमारे लोगों ने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की और रोते भी लगते थे, तब उनको लगा अरे पुलिस जब तक इतनी मदद नहीं करेगी इनको काबू करना संभव नहीं है, समझे। कांगड़ी वाले ने गया तो साथियों ये जो एनआरसी है, एनआरसी नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का कार्यक्रम है, वो आपके घर में आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट दस्तावेज पूछेंगे, आपका दादा कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, तो हमारे घरों में डाटा कौन सा होता है, हमारे माओ को पूछो वो बता दिए कि इनका दिन था, बिजली चमक रही,